हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी हो गई हमारी सुबह की शुरुआत, तो सुबह सुबह आपको प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। तो सुबह सुबह हम लग गए हैं काम में, पहुंच गए हैं अपने बाग। खाना पीना भी कुछ नहीं बनाया ना खाया, चाय पिया। चाय पी के पारो मैं और दक्षो आ गए हैं खेत में। और पालक, मेथी, धनिया, लहसुन बोना था, और तो हमने पहले ही बो लिया था और थोड़ा बचा भी था बोने के लिए। पानी लगाया था तो अब वो सूख गया था, तो लहसुन बोने के लिए आ गए हैं। खाना पीना बाद में बनाएंगे। 2-3 दिन से सोच रहे हैं बाग जाएंगे सब्जियां बोने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ काम पड़ते जा रहा था तो हम जा ही नहीं पा रहे थे। तो आज का सबसे पहला काम, दिन की शुरुआत, हम चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद पहुँच जाएंगे अपने बाग में और सबसे पहले यही काम करेंगे, नहीं तो ये काम बार बार छूट जाता है। और उसके बाद बाग में सब्जियां बोने के बाद पहुंच गए हैं हम घर। खाना पीना मैंने बना लिया है, उसका मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी, मैंने चार्जिंग में लगा दिया था। खाना बनाने के बाद लग गई थी फिर मैं लिपाई पुताई में, क्योंकि लिपाई पुताई के बिना तो कुछ काम होना नहीं है। दो मिट्टी वाला घर होता है तो बस 2 दिन के बाद फिर वैसे ही हो जाता है। 2 दिन फिर चौका लगाओ, लिपाई करें, लिसाई करें, फिर वही हाल हो जाता है। और फर्श अर्श हो, पक्की फर्श हो, तो वो तो हमेशा के लिए अमर हो जाती है, लेकिन लिसाई तो हमारी 2 दिन के बाद फिर करनी पड़ती है। तो आज मैं अपने किचन का काम कर रही हूँ, किचन के, क्योंकि धुआं धुआं हो जाता है तो सब काला काला हो गया था, आपको तो पता ही है मेरा किचन। और सीलन हो जाती है नीचे, बारिश वारिश की वजह से बहुत बेकार हुआ पड़ा है। तो आज ऊपर नीचे तो मैं रोज ही करती हूँ, खाना बनाने के बाद रोज़ मेरी पुताई हो जाती है, चौका लगा देती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा ऊपर की पुताई कर दी जाए, क्योंकि ऊपर की जो दीवारें हैं वो पूरे बेकार हो गई हैं। और एक दीवार तो इतनी बेकार हो गई है कि मेरे चौका लगाने से भी ठीक नहीं होती है। तो आज किचन का सारा सामान मैंने बाहर कर दिया था और लग गए हैं अपनी चीज, जो तालाब से मिट्टी लेके आए थे, तालाब वाली मिट्टी का चौका लगा रही हूँ। और देखते हैं उसके बाद भी मेरे दीवार ठीक होती है कि नहीं, क्योंकि कोशिश तो मैं कर रही हूँ ठीक हो जाए, जितना काला काला है वो ठीक हो जाए। लेकिन काला काला जो लग गया है धुआं का, क्योंकि आग का खाना बनाते हैं या आग चूल्हे में बनाते हैं तो सारा धुआं धुआं लग जाता है, तो वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सीलन की वजह से बेकार हो गई है नीचे नीचे दीवार, वो मुश्किल है, क्योंकि वो सीलन नीचे से जो दीवार में आ गई है उसकी वजह से बड़ा बेकार दिखता है। ऐसा लगता है कि हमने किचन की सफाई भी नहीं करी है। लेकिन चौका तो आपको पता है मैं रोज़ ही लगाती हूँ, रोज़ खाना बनाने के बाद सुबह को भी एक बार चौका लगाया जाता है और शाम को भी, चाहे जितनी भी रात हो जाए हम चौका लगा के ही अपना किचन का दरवाज़ा बंद करते हैं। तो ऊपर चढ़ के भी लगाना पड़ रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं गिर ना जाऊं, लेकिन शुरुआत करा है तो पूरा काम तो करना था। तो आज मेरा पूरा ब्लॉग मेरे यहीं पुताई उताई का था, बाहर की दीवार पे नहीं पुताई करती। तो घर का काम, जो मिट्टी वाला जो घर होता है ना, उसकी सफाई कभी ख़त्म नहीं होती है। दीवार हर जगह धूल धकार रहती है तो हर जगह ऐसे ही रहता है, तो हमारा काम भी अभी ऐसे ही चल रहा है, कहीं भी लिसाई पुताई कोई काम अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर बाहर का किचन मैंने चौका लगाया उसके बाद, और आंगन में बाद में लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। तो अब क्योंकि कपड़े भी धोने थे तो अब आ गए हूँ कपड़े धोने के लिए। और आंगन में अभी हमने चौका नहीं लगाया है क्योंकि लिसाई कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी गोबर की लिसाई हो रही है, तो अभी आधी अधूरी लिसाई हुई है और मिट्टी गांज के रख ली है दीदी ने, क्योंकि 2 दिन के बाद ही लिसाई करते हैं, क्योंकि बहुत 2 दिन के बाद ही लिसाई हो पाती है, क्योंकि एक गारा पहले करा था तो उसकी लिसाई आज हुई, तो ये 2 दिन बाद होगी। और पारो ने बना दी है चाय, वो भी ब्लैक टी, क्योंकि दूध हमारे घर में है नहीं और इतनी इमरजेंसी में दूध मिलता भी नहीं है दोपहर में, तो काली चाय पी रहे हैं काली मिर्च डाल के, तो चाय पी लेते हैं। और आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए हमारे यहाँ पर।
तो दीवार में चौका लगा लिया था, लेकिन आप देख रहे हो चौका लगाने के बाद ही मेरी दीवार ख़राब ही दिख रही है, क्योंकि नीचे सीलन इतनी है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि चौका लगा दिया है। तो सारी मेहनत थोड़ा ख़राब ही हो गई हमारी। तो मैं अब नीचे चौका लगा रही हूँ, क्योंकि खाना आना बनाएंगे तो फिर ख़राब लगता है। तो दीवार तो हमारी वैसी की वैसी ही दिख रही है, और फिर चौका लगा के अब आ गए हम अपने कमरे में, और कमरे में कपड़े अपड़े जो धोए थे वो मैंने सूखने को डाले थे, फिर लेके आई तो कमरे में फोल्ड कर लेते हैं। और दक्षु को भी पढ़ाना है, तो एक के बाद एक काम लगे रहते हैं, क्योंकि दक्षु को भी पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो अब दक्षु को थोड़ी देर होमवर्क करा लेते हैं, क्योंकि उसको भी होमवर्क कराना ज़रूरी है। जितना भी काम हो जाए बच्चों में तो ध्यान देना, एक घंटा तो उनके लिए निकालना ही निकालना है। अगर नहीं निकालेंगे तो टीचर लोग कहते हैं भैया माँ बाप बहुत लापरवाह हो गए हैं। तो दक्षु को भी थोड़ा पढ़ा लेते हैं और अपना काम भी करते जाते हैं। तो आज तो हमारी लिपाई पुताई का ही ब्लॉक था पूरा, और फिर भी हमारी पुताई जो चौका लगाया कोई कामयाब नहीं रहा, क्योंकि एक दीवार तो हमारी बेकार ही लग रही थी, क्योंकि अब दीवार शायद बेकार ही हो गई है, अब दूसरा ही किचन बनाएंगे तभी शायद ठीक हो पाएगा। तो पुताई हमारी हो चुकी है, चौका हमारा लग चुका है, और बनाएंगे अब खाना, दक्षु को पढ़ा लेते हैं, और आज का ब्लॉग ही समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारी पुताई का ब्लॉग कैसा लगा आपको? तो आज हम समाप्त करते हैं ब्लॉग। तो अभी के लिए हमें अलविदा दीजिए। नमस्ते, राधे राधे।